नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। चौबेपुर थाना अंतर्गत बदमाशों ने एक पत्रकार व उनके पुत्र को गोली मारकर किया घायल। शहर के विभिन्न संगठनों द्वारा स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर विविध कार्यक्रम हुए आयोजित। छात्रावास न खोले जाने पर आंदोलन के संदर्भ में यूपी कॉलेज के छात्रों ने सचिव को सौंपा ज्ञापन। और दी तहसील बार एसोसिएशन पिंडरा के शपथ ग्रहण समारोह में पूर्व विधायक अजय राय ने की शिरकत। और अब खबरें विस्तार से। चौबेपुर थाना अंतर्गत कुछ बदमाशों ने एक पत्रकार व उनके पुत्र को गोली मारकर घायल कर दिया। वाराणसी में एक बार फिर बदमाशों ने पुलिस को चुनौती दी और सुबह सुबह ही पत्रकार पुत्र पर हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि शनिवार की सुबह लगभग 6:30 बजे एक दैनिक अखबार के चौबेपुर के संवाददाता सुरेंद्र पांडे व उनके पुत्र पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी। पुलिस ने दोनों घायलों को स्वास्थ्य केंद्र नरपतपुर में प्राथमिक उपचार कराया। इसके पश्चात उन्हें बीएचयू ट्रॉमा सेंटर में रेफर कर दिया गया। वहीं पत्रकार सुरेंद्र पांडे ने बताया कि वो अपने घर के दरवाजे पर बैठे थे, तभी उनका पड़ोसी असलहा लेकर आया और उनके पुत्र पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। वहीं जब वो बचाव के लिए दौड़े तो उन पर भी फायरिंग की गई। उन्हें जांघ में व उनके पुत्र को कमर के नीचे 6 गोलियां लगी हैं। वहीं एक गाय भी इस घटना में घायल हो गई है। सुबह सुबह गोली चली है सर, क्या है पूरा मामला? दीपक मिश्रा नाम के एक व्यक्ति ने, जो कि पेशे से ड्राइवर भी है, आज रंजेश को लेके उसने, सुरेंद्र पांडे जी हैं जो हिंदुस्तान में काम करते हैं, तो प्रधान भी यहाँ के हैं, और उनके लड़के पवन पांडे को गोली चलाई है, जिसे गोली लगी उनके ऊपर। सर, प्रथम दृष्टया क्या लगता है? जैसा ग्रामीणों से पूछताछ और इनके परिजनों से पूछताछ हमेशा प्रकाश में आया है कि यहाँ पर बंजर की ज़मीन पर पुआल रखने को लेकर कुछ विवाद हुआ था। थाने से कोई जानकारी करने पर ज्ञात हुआ, कोई ऐसी एप्लीकेशन नहीं गई थी, लेकिन गांव के लोगों से पूछताछ करने पर यही ज्ञात हुआ। सर, इसमें किसी की गिरफ्तारी वगैरह क्या कार्रवाई? अभी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। सर, कब तक गिरफ्तारी हो जाएंगे सर इसके? नहीं, इसके लिए हम आपको कोई टाइमलाइन नहीं दे सकते, लेकिन यथाशीघ्र पुलिस का काम है तत्काल अभी उनको गिरफ्तारी करना। अभी सर क्या हालात हैं उनके, जो कि जिनको गोली लगी है? सर, उनका इलाज थामा सेंटर में चल रहा है और अभी तक वो खतरे से बाहर। क्या है पूरी घटना? घटना यह है साहब, 10 रोज पहले की बात है, वहाँ पर पुअरा था, पुअरा रखा हुआ था। वह आया यहाँ पर, बोला कि अच्छा पुअरा हटवा दे प्रधान जी। प्रधान जी कहने के पुअरा हट जाई, उसके कोई परेशानी नहीं हुई, हम रखब और बेच भी दे तो जगह हो जाए। बाद विवाद वहाँ भयल, फिर एक बात कहे कि हटोजा से गोली मारब, जरूर मारब गोली। एक बार जब बात हो गई, वही बात काम खत्म। ऐलान कई की गोली तनाज साहब से रुना है 6 बजे कई किए सौ। यहाँ से प्रधान जी यहाँ रहना है, यहाँ से गोली लगा लो प्रधान की भी, और फिर भगना यहाँ इन्हें, यहाँ से आगे यहाँ के, यहाँ से गोली मरना, गाय के लगा रहा लड़का मार तम जब पेशाब कर लगा तब पेशाब के से गोली मरना, लड़का उलट गया हुआ तो हम दौड़िए छप्टी छप्टा भर तब से अपना मार करके अपना भागा है, गोली मार के भगा है। पंचकवि 84 घाट के बैनर तले नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर बजड़े पर कवि सम्मेलन व पुस्तक विमोचन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शनिवार को शहर के सम्मानित साहित्य साधकों द्वारा मां शीतला मंदिर में दर्शन पूजन के बाद जलपरी बजड़े पर जनजागृति सेवा संस्थान एवं शाश्वत संस्कृति द्वारा प्रायोजित पंचकवि 84 घाट के बैनर तले कवि सम्मेलन व पंडित मदन मोहन कृत शाश्वत श्रीमद् भागवत पुस्तक का विमोचन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन व माँ शारदा के माल्यार्पण के उपरांत स्मृति पांडे के गणेश वंदना व शाम्भवी चतुर्वेदी के भजन से हुआ। इसके पश्चात पंडित मदन मोहन कृत शाश्वत श्रीमद् भागवत पुस्तक का लोकार्पण डॉ. कुलपति तिवारी महंत काशी विश्वनाथ मंदिर द्वारा किया गया। इनके साथ ही प्रसन्न वदन चतुर्वेदी, कंचन लता चतुर्वेदी, डॉ. दयाशंकर मिश्र, पंडित पूरन महाराज, डॉ. विंध्याचल पांडे, संतोष कुमार प्रीत भी मंच पर उपस्थित रहे। इसके बाद श्रोताओं से भरे बजड़े पर सबरंग कवि सम्मेलन का आगाज हुआ, जिसमें कवियों ने एक से बढ़कर एक अपनी रचनाओं की प्रस्तुति की।
काव्य पाठ करने वालों में विकास पांडे, कंचन लता चतुर्वेदी, शंभुनाथ शैल, डॉक्टर मंजरी पांडे इत्यादि कवि मौजूद रहे। चाहे जुटाना सके जीने का चाहे सामा जुटाना सके कफन तिरंगे क्या बात है। बहुत उस महामानव की जन्म सती है सुभाष की, मैं चार पंक्तियां उसी को मैं पेश कर रहा हूं कि जो है ओ हम फकत न चांद सितारे भी कह रहे ओ हम फकत न चांद सितारे भी कह रहे धरती की गोद में जिया आकाश की तरह। नेता तो किस्म किस्म के जन्म में यहाँ बहुत, नेता तो किस्म किस्म के जन्म में यहाँ बहुत, इज्जत न कोई पा सका सुभाष की तरह। ऐसा है कि आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और एक युग पुरुष का एक जन्मदिन भी है यहाँ पे पंच कवि चौरासी घाट, क्योंकि एक जो है कवि है साहित्य का, संस्कृति का, धर्म की नगरी है और आज इसके आयोजन के लिए है जो है तमाम काशीवासी की सहभागिता और ये देश में विदेश में दिखाया जाए कि हमारे की संस्कृति क्या है। आज कविता पाठ से ही सब कुछ होता है, कविता में रहस्य भी है, श्रृंगार है, विचार है, देश के प्रति है, नागरिकता जागरूकता के प्रति है, स्वच्छता के प्रति है, सबके प्रति यह समर्पित है। छात्रावास न खोले जाने पर आंदोलन के संदर्भ में यूपी कॉलेज के छात्रों ने सचिव कार्यालय पहुंचकर उन्हें ज्ञापन सौंपा। भोजबीर स्थित उदय प्रताप कॉलेज के छात्रों ने सचिव कार्यालय पहुंचकर उन्हें ज्ञापन सौंपा। इस दौरान छात्रों ने कहा कि हमने कई बार छात्रावास खोले जाने की मांग की है, लेकिन अब तक इस ओर कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिससे क्षुब्ध होकर हम आंदोलन के संदर्भ में ज्ञापन सौंप रहे हैं। ज्ञापन सौंपने पहुंचे छात्रों से इस बाबत 48 घंटे में निर्णय लिए जाने की बात कही गई। ज्ञापन सौंपने वालों में समीर सिंह विशाल, अभिषेक सिंह, राजीव सिंह, अमित सिद्धार्थ इत्यादि छात्र शामिल रहे। विगत हम लोगों ने सचिव साहब को, उप सचिव साहब को छात्रावास खोलने के संदर्भ में 10 दिन पहले ही एक पत्रक सौंपा था, जिन्होंने में उन्होंने कहा कि हम लोग जल्द मीटिंग लेकर निर्णय करेंगे। तो आज हम लोगों ने धरने देने के लिए आज सचिव कार्यालय में पत्रक सौंपने गए तो वहां पर बैठे उप सचिव और तमाम लोगों ने कहा कि बस 48 घंटे का समय दीजिए, यदि 48 घंटे में छात्रावास खोलने का नहीं निर्णय लिया जाएगा तो आप लोग धरना करिएगा। तो हम लोगों ने आज कहा कि 48 घंटे में यदि छात्रावास खोलने का निर्णय कोई नहीं लिया लेता है तो हम लोग बृहद आंदोलन करने के बाध्य होंगे।
दी तहसीलवार एसोसिएशन पिंडरा के शपथ ग्रहण समारोह में पूर्व विधायक अजय राय ने शिरकत की। दी तहसीलवार एसोसिएशन पिंडरा द्वारा शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व विधायक अजय राय उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि का स्वागत उनका माल्यार्पण कर किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मंचासीन अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इसके बाद सभी पदाधिकारियों को उनके कर्तव्यों व पद की गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम में मुख्य रूप से बार काउंसिल यूपी के सदस्य हरिशंकर सिंह, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य पंडित श्रीनाथ त्रिपाठी इत्यादि लोग उपस्थित रहे। रामनगर नगर पालिका की बैठक आहूत हुई। वाराणसी के रामनगर नगर पालिका अध्यक्ष रेखा शर्मा के नेतृत्व में नगर पालिका में जमीनी मामलों को लेकर आपत्ति एवं विरासत के मामलों की बैठक की गई। ये वो मामले थे जिनका जमीनी विवाद परिजनों व अन्य लोगों से हस्तांतरण को लेकर चल रहा था। इनमें से कुछ मामला कोर्ट में भी था जिनकी सभासदों एवं नगर पालिका अध्यक्ष के साथ बैठक कर निस्तारण किया गया। इनमें से 12 मामलों पर सुनवाई करते हुए 7 मामलों का निस्तारण किया गया। 12 फाइलें हम लोग आपत्ति वाली रखे थे जो काफ़ी समय से लंबित पड़ी हुई थी, लेकिन इस समय बोर्ड की बैठक चल रही है। इसमें लगभग 7 अभी तक हुआ है, सारा मिला के तो 11वां नंबर है, लेकिन 7 का निस्तारण हो गया है पक्ष में। क्या विवाद है? विवाद इन लोग का ये था कि कहीं पर ये था कि पैसा मेरा वापस नहीं किए हैं, दिए नहीं है पैसा, कहीं वापसी बंटवारे का मामला था, कहीं आपसी विवाद था जो यहाँ बोर्ड में आके लोग सुलह करके नाम चढ़ाने के लिए कह दिए। यह बैठक अनापत्ति की जितनी फाइलें थीं और आपत्ति की जितनी फाइलें थीं और अध्यक्ष महोदया के जो है कि निर्णय अनुसार जो भी होगा इसमें, उस लिए यह बैठक बुलाई गई। जितने सालों से पड़े फाइल थे सब, अनापत्ति वाला तो हर महीने 2 महीने 3 महीने पर हम लोग कर देते हैं, लेकिन जो आपत्तियां की फाइल थी सालों से वर्षों से, कोर्ट में भी फंसा मामला था, तमाम तरह के कोर्ट, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट से लेकर लोअर कोर्ट से लेकर सिविल कोर्ट से लेकर सारे फाइलों का यहाँ हम लोग निस्तारण करते हैं। जैसा लगता है कि नहीं मुझे करना चाहिए, बोर्ड का निर्णय होता है, वो बोर्ड पूरा निर्णय लेता है अपने अनुसार कि उसमें बोर्ड को लगेगा कि नहीं यह फाइल करने लायक है, तभी बोर्ड जो है अपना निर्णय सुनाता है, नहीं तो हम लोग पुनः लीगल एडवाइज़र के लिए भेज देते हैं। जब तक लीगल एडवाइज़र से कोई आदेश नहीं आ जाता, इस तरह से कोई उनका जो है कि विचार नहीं आ जाता, तब तक बोर्ड कोई निर्णय नहीं लेता है उस पर। जौनपुर हनुमानगंज में आयोजित नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती समारोह में पूर्व विधायक अजय राय ने शिरकत की। जौनपुर अड़ियार के हनुमानगंज में स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जयंती समारोह का आयोजन किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि पूर्व विधायक अजय राय रहे। इस अवसर पर उपस्थित अतिथियों द्वारा नेताजी के चित्र पर माल्यार्पण कर व पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया गया। कार्यक्रम में एडवोकेट जयप्रकाश पांडे, अखिलेश उपाध्याय, एडवोकेट रमाशंकर उपाध्याय सहित कई लोग उपस्थित रहे। यह वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए केटीवी के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। इंडिया में भरोसे की मिसाल है डबल चेक। कैसे? आओ दो कदम पीछे लेकर खुद ही देखें। किसी दिन दरवाजा डबल चेक, तो किसी दिन न्यूज। कभी कभी तो कार भी हो जाती है डबल चेक। अब जिस देश में भरोसे का मतलब है डबल चेक, वहां वोटिंग के लिए ईवीएम का नया वीवीपैट, ताकि आप अपना वोट डालते ही डबल चेक कर सके। कुछ ऐसे ही हजारों और चेक्स मिलकर बनाते हैं ईवीएम को भारत की मिसाल। ईवीएम मशीन नहीं, भारत की मिसाल है ये। इस मुल्क की ताबीर में तेरा खून भी है, तेरी कुर्बानियां भी। याद रखना के मुल्क ये महफूज है, क्योंकि तू है। इस मुल्क का जर्रा जर्रा कर्जदार है तेरा, तेरे खून की हर एक बूंद से तूने इसे संवारा। तेरे मुल्क को हर दम तेरा साथ है जरूरी।
और केंद्रीय बलों के सदस्यों से आग्रह है कि वो खुद को सर्विस वोटर के तौर पर www.servicevoter.nic.in पर ऑनलाइन रजिस्टर करें। आप फॉर्म डाउनलोड करके ऑफलाइन भी रजिस्टर कर सकते हैं। मनोरंजन ही मनोरंजन, सुपर फास्ट स्पीड और अनलिमिटेड डाउनलोडिंग के लिए आज ही अपने घर में लगवाएं नेट ऑन ब्रॉडबैंड। नेट ऑन ब्रॉडबैंड में फाइबर लिंक और वायरलेस लिंक दोनों की सुविधा उपलब्ध है। कनेक्शन लगवाने के लिए हमारे दिए गए नंबर्स पर संपर्क करें या फिर गूगल प्ले स्टोर या एप्पल एप स्टोर से हमारे नेट ऑन ऐप को आज ही इंस्टॉल करें और आज ही लगवाएं नेट ऑन ब्रॉडबैंड। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रक्त मित्र परिवार फाउंडेशन द्वारा लहरतारा कैंसर अस्पताल में रक्तदान शिविर लगाया गया। रक्त मित्र परिवार फाउंडेशन द्वारा कैंसर पीड़ित मरीजों के लिए प्लेटलेट्स दान शिविर एवं रक्तदान शिविर का आयोजन नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस मनाते हुए लहरतारा स्थित होमी भाभा कैंसर अस्पताल के ब्लड बैंक में किया गया। इस दौरान आओ हाथ बढ़ाए कैंसर को हराए मिशन के तहत रक्तदाताओं ने 6 यूनिट प्लेटलेट्स दान और 30 यूनिट रक्तदान किया, जिससे कैंसर पीड़ित मरीजों की मदद की जा सके। शिविर में कुंवर वीरेंद्र, संगीता प्रसाद, अनिल रूपानी, शहनवास फारूख इत्यादि लोग मौजूद रहे। और किस उपलक्ष्य में ये आपने कार्यक्रम रखा है सर? जैसा कि जानते हैं, आज हमारे आदरणीय श्री सुभाष चंद्र बोस जी का जन्मदिन है। इस उपलक्ष्य में ये रक्तदान शिविर का आयोजन हो रहा है और रक्तदान शिविर का उद्देश्य है कि जो यहाँ होमी भाभा कैंसर अस्पताल में कैंसर पीड़ित मरीज हैं, तो उनके लिए हम लोग रक्तदान करें और रक्तदान के साथ यहाँ प्लेटलेट्स दान हो रहा है, जो कि कैंसर में बहुत उपयोगी है। तो उसी के उपलक्ष्य में हम लोग ये शिविर का आयोजन कर रहे हैं ताकि कैंसर पीड़ित मरीजों की मदद हो पाए। अब तक कितने सर डोनेट हो चुके हैं? तक 10 यूनिट डोनेट हो चुका है और अभी तो कैंप शुरू हुआ चल रहा है, तो देखिए अभी 1 बजे तक कितना हो पाता है, क्योंकि SDP में समय लगता है, 2 घंटे का समय लगता है प्लेटलेट्स डोनेशन में, तो इसमें थोड़ा कम ही हो पाएगा डोनेशन। बेस्ट पार्ट ये है कि SDP को आप SDP डोनेशन ब्लड डोनेशन से थोड़ा सा अलग है, इसको आप महीने में 2 बार डोनेट कर सकते हैं और कहीं ना कहीं ये हमारे जितने भी कैंसर पेशेंट्स हैं उनकी कीमोथेरेपी में ये हेल्प करता है। ऑल इंडिया यूनाइटेड विश्वकर्मा शिल्पकार महासभा द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई गई। ऑल इंडिया यूनाइटेड विश्वकर्मा शिल्पकार महासभा द्वारा आजाद हिंद फौज के संस्थापक महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर नगर के सुभाष पार्क में स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण व श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें नमन किया गया। इस अवसर पर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक कुमार विश्वकर्मा ने कहा कि सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई नेताजी द्वारा प्रतिपादित विचार क्रांति के मार्ग पर चलकर जीती जा सकती है। भारतीय इतिहास में स्वतंत्रता के लिए किया गया उनका संघर्ष और योगदान अविस्मरणीय है। अंग्रेजों के खिलाफ क्रियाकलापों के लिए नेताजी को कई बार जेल जाना पड़ा। उनका मानना था कि आजादी के लिए अहिंसा आंदोलन काफी नहीं है, इसलिए उन्होंने अपनी भारतीय राष्ट्रीय सेना आजाद हिंद फौज बनाई थी। कार्यक्रम में मुख्य रूप से श्रीकांत विश्वकर्मा, डॉक्टर प्रमोद कुमार विश्वकर्मा, नंदलाल विश्वकर्मा, अजय कुमार विश्वकर्मा, दीनदयाल विश्वकर्मा सहित बड़ी संख्या में समाज के लोग उपस्थित रहे। देश के महान स्वतंत्रता सेनानी, क्रांतिकारी, आजाद हिंद फौज के संस्थापक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर आज विश्वकर्मा समाज के लोग महासभा के तत्वावधान में दीनदयाल उपाध्याय नगर स्थित सुभाष पार्क में नेताजी की प्रतिमा के समक्ष उपस्थित होकर के उन्हें माल्यार्पण और पुष्प अर्पित कर नमन कर रहे हैं और उनके प्रति अपनी भावपूर्ण श्रद्धा व्यक्त कर रहे हैं।
नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इस देश की आज़ादी में जो योगदान किया है वह अविस्मरणीय है। उनके योगदान को यह देश कभी भी भुला नहीं सकता। नेताजी ने जिस विचार क्रांति को प्रतिपादित किया उस विचार क्रांति की आज देश को बहुत आवश्यकता है। नेताजी के वैचारिक क्रांति के बल पर ही देश में जो व्यवस्था है, जो भ्रष्टाचार से पूरित व्यवस्था है, उसके खिलाफ मजबूत लड़ाई लड़ी जा सकती है। चाहे वह सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई हो, आर्थिक आज़ादी की लड़ाई हो या गुलामी से आज़ादी की लड़ाई हो, नेताजी का जो वैचारिक क्रांति था वह सदैव सदैव प्रासंगिक रहेगा। नेताजी को आज के इस अवसर पर हम सभी लोग समाज की ओर से, देश की ओर से बारंबार नमन करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। महिला कांग्रेस कमेटी व काशी बौद्धिक मंच द्वारा बीएचयू के सुरक्षा कर्मियों को सम्मानित किया गया। बीएचयू सिंहद्वार पर महिला कांग्रेस कमेटी और काशी बौद्धिक मंच द्वारा बीएचयू में कार्यरत सुरक्षा कर्मियों को सम्मानित किया गया। वही लॉ फैकल्टी के प्रोफेसर ने बताया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर प्रोफेसर हरिहरनाथ त्रिपाठी काशी बौद्धिक मंच और महिला कांग्रेस कमेटी की ओर से विश्वविद्यालय में कार्यरत सुरक्षा कर्मियों में से 7 सुरक्षा कर्मियों को सम्मानित किया गया है। वही आजमगढ़ से आए भूतपूर्व डिप्टी जेलर को भी नेताजी की जयंती पर सम्मानित किया जा रहा है। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती के उपलक्ष में आज हमने प्रोफेसर हरिहरनाथ त्रिपाठी फाउंडेशन, काशी बौद्धिक मंच और महिला कांग्रेस की तरफ से हम लोगों ने अपने विश्वविद्यालय में जो कार्यरत हमारे जो भूतपूर्व सैनिक हैं, हमारे उत्कृष्ट 7 सैनिकों का, हमारे विश्वविद्यालय के चीफ डॉक्टर प्रोफेसर आनंद चौधरी जी का, हमारे आजमगढ़ से आए हुए भूतपूर्व डिप्टी जेलर श्री नद्दू पांडे जी का और हमारे बनारस की ही भूतपूर्व आप हमारी फ्रीडम फाइटर श्रीमती छाया बापट जी का आज हम लोगों ने आज़ाद हिंद फौज जिसकी रचना नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया था, आज उसके उपलक्ष में हम लोगों ने उनका सम्मान किया है शॉल पहना के और माला के साथ, और प्रयास किया है कि इस तरह के कार्यक्रम जिसमें हमारे भूतपूर्व सैनिक किसी कारण से कहीं भी किसी सुरक्षा एजेंसी में हो और ख़ास तौर पे हमारे विश्वविद्यालय में, विशेष तौर पर जो हमारे भूतपूर्व सैनिक जिसमें एक तो हमारे बगल में ही खड़े भी हैं, मैं आप लोगों का इस क्रम में जो हम लोगों से संभव हो वह सम्मान करें, क्योंकि जो भूमिका ये लोग अदा करते हैं वह अविस्मरणीय है और निसंदेह ये सम्मान के पात्र हैं। तो इसी क्रम में आज ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। काशी मोक्षदायिनी सेवा समिति द्वारा समिति के स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया गया। काशी मोक्षदायिनी सेवा समिति द्वारा 7वें स्थापना दिवस के अवसर पर बीएचयू स्थित डॉक्टर्स लॉज में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें संस्था से जुड़े लगभग 50 लोगों ने रक्तदान किया। इस दौरान गोपाल प्रसाद वरिष्ठ उपाध्यक्ष ने बताया कि संस्था के 7वें स्थापना दिवस और सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर हमने इस शिविर का आयोजन किया है। वहीं समिति की तरफ से जो शवों का दाह संस्कार किया जाता है उसकी भी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। साथ ही निःशुल्क सिलाई बुनाई का प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली छात्राओं और महिलाओं को प्रमाण पत्र भी दिया गया है। ये बीएचयू स्थित डॉक्टर्स लाउंज में काशी मोक्षदायिनी का 7वां स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर और नेताजी सुभाष चंद्र जी की जयंती पर यहाँ पर ब्लड डोनेशन का भी डोनेट करने का काम किया जा रहा है, जिससे समिति के कम 50 लोग जो हैं डोनेट करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। और संस्था के माध्यम से महिलाओं को, बालिकाओं को सिलाई कढ़ाई प्रशिक्षण, ब्यूटिशियन ये भी कोर्स निःशुल्क तक कराया जाता था, तो उसमें जिनको प्रमाण पत्र नहीं मिला था उनको आज यहाँ पे प्रमाण पत्र का वितरण भी किया जाना है। और हर वर्ष जो कि साल में समिति के तरफ से निःशुल्क शवों का दाह संस्कार किया जाता है, उसकी वार्षिक रिपोर्ट भी आज यहाँ पे पेश की जाएगी, जिससे यह पता चले कि समिति किस तरीके से तन मन धन से आज जनहित में सेवा करने के लिए निरंतर लगे हुए हैं। हम लोगों के बीच में समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी भाई पवन कुमार चौधरी जी हमारे बगल में हैं, नीलम मौर्या जी हैं,
जय कुमार जैसल जी हैं, तमाम सदस्य और पदाधिकारी आज यहाँ पे उपस्थित हैं। विशाल भारत संस्थान द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती समारोह का आयोजन हुआ। लम्ही के सुभाष नगर स्थित विशाल भारत संस्थान द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर संस्था के संस्थापक राजीव श्रीवास्तव के नेतृत्व में सुभाष मंदिर में नेताजी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पूजन किया गया। इसके बाद आरती कर सभी ने उन्हें नमन किया। इस दौरान संस्थान के सदस्यों ने बताया कि यहाँ प्रतिदिन पूजन किया जाता है, साथ ही बच्चों द्वारा बैंड की धुन पर नेताजी को सलामी भी दी जाती है। ये ऐसा मंदिर है जहाँ पर किसी भी धर्म जाति के लोगों का कोई भी निषेध नहीं है, सभी धर्म जाति के लोग आ सकते हैं। सुबह आरती होती है, शाम को सुबह प्रार्थना होती है, शाम को आरती होती है, शाम को सलामी दी जाती है, फिर पट बंद कर दिया जाता है। तो इस तरह से सुभाष मंदिर दुनिया का पहला मंदिर है जिसमें सभी धर्म और जाति के लोग आ करके उनको सलामी देते हैं, और सामान्य लोग भी आते हैं, महिलाएँ आती हैं, मन्नत मांगती हैं और उनकी मन्नतें पूरी भी होती हैं। तो चलते चलते पुनः एक नज़र डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। चौबेपुर थाना अंतर्गत बदमाशों ने एक पत्रकार व उनके पुत्र को गोली मारकर किया घायल। शहर के विभिन्न संगठनों द्वारा स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर विविध कार्यक्रम हुए आयोजित। छात्रावास न खोले जाने पर आंदोलन के संदर्भ में यूपी कॉलेज के छात्रों ने सचिव को सौंपा ज्ञापन। और दी तहसील बार एसोसिएशन पिंडरा के शपथ ग्रहण समारोह में पूर्व विधायक अजय राय ने की शिरकत। तो ये थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।